आज हमारे पास ग्लैंजा आई है जिसमें हेडलाइट का इशू है, हेडलाइट में फॉग जम रहा है प्लस मॉइस्चर बन रहा है। लेट्स चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है। हमारी हेडलाइट खुल चुकी है, चेक करते हैं कि क्यों फॉग जम रहा, क्यों पानी अंदर आ रहा है इसमें। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, ये आगे से थोड़ा क्रैक है, टूट गई है। अब क्यों टूटी है क्या पता, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा नहीं तो पूरी हेडलाइट ख़राब हो जाएगी। खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। आगे से भी सील पैक करना पड़ेगा, यहाँ से बस यहाँ से भी कुछ करना पड़ेगा। कंडीशन बहुत बुरी है। सुखाएगा और इसका पानी अब्सॉर्ब करेगा पूरा। जब ये पूरा पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका कुछ करेंगे, इसके जो पीसेस है उसका भी कुछ करेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसी सेम प्रॉब्लम इसमें ना हो। और सेम जो जो कॉर्नर है कॉर्नर पे हम बॉन्ड मारेंगे ताकि वो जहाँ से भी लीकेज हो, जैसा ये बॉन्ड कवर हुआ है वैसा पूरा करेंगे। अगर नॉर्मल हेडलाइट्स की तरह ये खुलता तो हीट गन से भाप देने में अंदर इजीली रहता और फटाफट सूख जाता था वो। बट ये पार्किंग लाइट के बल्ब है वो रिमूव हुई है, इसके लिए थोड़ा हीट अंदर जाएगी तो अब्सॉर्ब कर लेगा पूरा पानी, जितना भी ऊपर आया हुआ है भाप आई हुई है पानी का, सूख जाएगा उसके वजह से। हीट गन का यूज़ करने से पहले ये ध्यान में रखना कि ज़्यादा हीट नज़दीक से ना जाए क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा। और एक जगह कॉन्स्टेंटली यूज़ ना करें। बिकॉज ऑफ हीट गन ये ड्राई हो रहा है अंदर से, उसका पानी वेव कम हो रहा है। ये पोर्शन पूरा ड्राई हो चुका है, इसका पानी जा चुका है, लिटरली भी इधर बचा हुआ है वो भी चले जाएगा सून। जो पीस टूटा हुआ था उसे हम एमसील से कवर कर दिए क्योंकि हमारे पास पार्ट नहीं था उसका, उसका पार्ट रहता तो हम कैसे भी कवर कर लेते थे, पर इससे भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ये पार्ट नीचे रहने वाला है तो दिखेगा नहीं, बस मजबूती चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग करना है ये पार्ट को। जितने भी गैप है इसमें हम बॉन्ड डालेंगे ताकि पानी नहीं अंदर जावे, इसे वाटरप्रूफ बनाइए।
बैटरी ना। तो हमारे वीर जी आके गए अभी बैटरी देख के। पाजी सस्ती है पाजी। हमारे हेडलाइट पूरी वेट हो चुकी है, पूरी ड्राई हो चुकी है, उसमें एक भी पानी नहीं नजर आ रहा है। देख सकते हैं राइट साइड का सेम राइट साइड की जैसी हो गई है। अब इसमें पानी नहीं आएगा अंदर। इसमें ग्लू लगा दिए। यहाँ से क्रैक की थोड़ी इनसाइड से वो भी पैक कर दी।